ओके तो फिर आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो क्रिएटिव मोड रहता है, मतलब क्रिएटिव मेनू रहता है, उसको हम पाल वर्ल्ड के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 100% कैप्चर रेट वाले मोड को हम पाल वर्ल्ड के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आज के इस वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्रिएटिव मेनू वाला मोड को कैसे पाल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई करना है। तो फिर यार स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को, लेट्स गो। तो फिर सबसे पहले आप लोग को आ जाना है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन में और कोई भी अवेलेबल ब्राउजर के अंदर चले जाना है। मैं इधर जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में, आप कोई भी ब्राउजर में चले जा सकते हैं। तो फिर ब्राउजर में आ जाने के बाद आपको इधर जाना पड़ेगा आपके सर्च बार में और सर्च करना पड़ेगा विनरार। सर्च करने के बाद जो ये पहला वाला वेबसाइट आएगा विनरार करके, इसको अंदर चले जाना है हम लोग को। आ जाने के बाद इधर डाउनलोड विनरार करके आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके विनरार को जो है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास विनरार ऑलरेडी है, देख पा रहे हो। तो फिर आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है अपने डेस्कटॉप में। तो फिर विनरार डाउनलोड कर लेने के बाद अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे मोड्स। तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्राउजर में और इधर सर्च बार में लिखना पड़ेगा पाल वर्ल्ड मोड्स। सर्च करने के बाद ये जो पहला वाला वेबसाइट आएगा इसके ऊपर चले जाना है और इधर से जो है हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं पाल वर्ल्ड मोड्स को। तो फिर आज के इस वाले वीडियो में हम लोग को अप्लाई करके दिखाना है क्रिएटिव मेनू, तो हम लोग सर्च करेंगे क्रिएटिव मेनू। सर्च करना है और आ जाएगा हमारा क्रिएटिव मेनू, इसके ऊपर क्लिक करना है। सर्च कर लेने के बाद हमको स्क्रोल करना है और ये जो आपको दिख रहा है UE4SS वाला, इसको हम लोग को डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये वाला जो फाइल है हम लोग को वीडियो में आगे जाके काम आने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो फिर इसको हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे बस एक, और स्क्रोल करेंगे और ये वाला जो आप देख पा रहे हो UE4SS V3.0.1 zip, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको बेसिकली आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये देखो डाउनलोड हो चुका है, हमारा zip फाइल है। वापस से हमें आ जाना है क्रिएटिव मेनू वाले साइड में और इधर से हमें स्क्रोल करना है और फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और इधर से हम लोग को डाउनलोड करना है क्रिएटिव मेनू गेम पास वाला मैनुअल डाउनलोड। तो फिर इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो फिर इसको डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग को डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर से हम लोग को स्लो डाउनलोड पे क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास प्रीमियम नहीं है। तो देख पा रहे हो हमारा डाउनलोड इधर से हो चुका है एंड हमारा सब कुछ काम हो चुका है, कट कर दो, रिफ्रेश कर दो। उसके बाद चले जाओ अपने फाइल मैनेजर में और इधर जिस जगह पर आप लोग का सारा डाउनलोड सेव होता है डाउनलोड में जाओ और इधर देख पा रहे हो क्रिएटिव मेनू और जो मैंने UE4SS वाला डाउनलोड किया था दोनों इधर है। तो फिर हम लोग को क्लिक करना है क्रिएटिव मेनू वाले फाइल में, आपका जिधर भी फाइल सेव होता है उस वाले फोल्डर में चले जाना है, आपको मिल जाएगा। क्रिएटिव मेनू के ऊपर हम लोग को डबल टैप करना है और हमारा जो विनरार है इसी समय काम आएगा। जो क्रिएटिव मेनू वाला zip फाइल है वो बस विनरार ही ओपन कर सकता है। जैसे कि देख पा रहे हो ये जो है विनरार ने ओपन किया है। विनरार ओपन हो जाने के बाद हमको ये कट कर दे रहा है और अभी आपको जाना है पाल वर्ल्ड के अंदर। तो देख पा रहे हो ये रहा मेरा पाल वर्ल्ड, ये मेरा क्रैक्ड वाला पाल वर्ल्ड है। अगर आपके पास क्रैक पाल वर्ल्ड नहीं है तो फिर आप मेरे चैनल में जा सकते हो जिस जगह पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे हम लोग क्रैक पाल वर्ल्ड को डाउनलोड करें एकदम ही फ्री में। तो फिर हम लोग को हमारे पाल वर्ल्ड के ऊपर चले जाना है और इधर राइट क्लिक करना है और हमको चले जाना है ओपन फाइल लोकेशन पे और इधर आ जाने के बाद आप लोग देख ही पा रहे हो। ओके तो ये वाला है हमारा पाल वर्ल्ड का फाइल लोकेशन और ये हमारा विनरार वाला जो क्रिएटिव मोड है उसका फाइल लोकेशन। तो फिर इधर हम लोग देख पा रहे हैं कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो फिर हम लोग को विनरार वाले में जाना है पाल के अंदर, उसके बाद हम लोग को पाल वर्ल्ड के अंदर भी जाना है पाल के अंदर, उसके बाद हमको बिनारियस के अंदर जाना है पाल वर्ल्ड के अंदर भी बिनारियस के अंदर जाना है, उसके बाद इसके अंदर जाना है विनरार के और इसके बाद पाल वर्ल्ड के इसके अंदर चले जाना है। सेम टू सेम दोनों में ही होगा। आप लोग जो ये मोड्स देख पा रहे हो ना इसे बस इधर ड्रैग कर दो, बस जो हमारा रियल पाल वर्ल्ड वाला फाइल मैंने इधर ओपन किया है इसके अंदर ड्रैग कर दो और इधर हमारा मोड्स वाला फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर हमारा क्रिएटिव मेनू वाला है। उसके बाद इधर से सब बैक कर दो। इतना कुछ हो जाने के बाद अब हमको फिर से पाल वर्ल्ड के फाइल लोकेशन में चले जाना है, इधर से राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर देना है। अभी आपको जाना है नॉर्मल फोल्डर में और जिधर आपका डाउनलोड सेव होता है फिर से उसी वाले जगह पे जाना है और क्रिएटिव मेनू के ऊपर डबल टैप कर देना है। इधर इसको कट कर दो और दोनों ही फिर से सेम टू सेम वैसा ही हो चुका है, ये रहा विनरार वाला और ये हमारा पाल वर्ल्ड वाला। तो फिर इधर फिर से क्या करना पड़ेगा अच्छे से देखना, इधर हमको जाना है विनरार वाले में पाल वर्ल्ड और पाल वर्ल्ड वाले में जाना है पाल। ठीक है, इसके बाद आ जाने के बाद हमको जाना है इधर कॉन्टेंट, इधर भी जाना है कॉन्टेंट, इधर जाना है पैक्स, इधर भी जाना है पैक्स और ये जो लॉजिकल मोड है इधर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो फिर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो फिर आपको इधर लॉजिकल मोड नहीं दिखेगा क्योंकि भाई लॉजिकल मोड्स इसमें डाला नहीं रहता है। तो फिर आपको क्या करना है, इस लॉजिकल मोड्स को लेना है और इधर भाई ड्रैग कर देना है। लॉजिकल मोड्स इधर आ चुका है हमारा और बाकी बस हो चुका है हमारा काम, अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में बढ़ते हैं। ओके सो हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चले जाना है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में और जो मैंने ये वाला डाउनलोड किया था UE4SS
इसके ऊपर आपको करना है डबल टैप। तो फिर हमारा विनरार से इसको ओपन कर लेगा, विनरार से ओपन कर लेगा, जिप वाला फाइल है। तो फिर ये देख पा रहे हो इतना जितना ये कुछ है, इसको सबको हमको एक जगह पर पेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, हमको जाना है पाल वाल में, राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है, पाल में जाओ, बिनारियस में जाओ, Win64 में जाओ, इधर जो आप लोगों ये वाला देख रहा है इस सारे को लो और इधर ड्रैग कर दो बस। तो फिर ड्रैग हमारा सब कुछ इधर आ चुका है जैसे कि देख पा रहे हो। तो फिर बस हमारा काम हो चुका है, अभी आपको इसको कट कर देना और इसको रहने देना है, ठीक है। और हम इसे कर लेते हैं फुल स्क्रीन। और अभी आपको क्या करना है अच्छे से देखना, ये नहीं करोगे तो कुछ भी काम नहीं करने वाला है आप लोगों का। तो फिर आपको चले जाना है UE4SS सेटिंग्स में, इसको बस डबल टैप करना है और ये आपका नोट पैड के ऊपर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको करना है फुल स्क्रीन और अभी इसको छोरा छेड़छाड़ी करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी गलत कर दिया तो आपका काम नहीं करने वाला है, मोड यही वाला है मेन स्टेप। तो फिर इधर जो आपको ये वाला दिख रहा है BUACU कुछ करके ऑब्जेक्ट एरी चार्ज, इसको आपको क्या करना है, ये ट्रू रहेगा, इसको बस हमको फॉल्स कर देना है। फॉल्स कर देने के बाद अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, स्क्रॉल करना है और इधर हमको ढूंढ लेना है कंसोल इनेबल्ड, ये जो है जीरो पे रहेगा, इसको आपको वन कर देना है। इधर आप लोग कंसोल इनेबल्ड को वन कर देने के बाद कंट्रोल प्लस एस से इसको सेव कर दे सकते हो, या फिर फाइल में जाके इधर से भी आप लोग इसे सेव कर सकते हो। और बाकी आपका सारा काम हो चुका है, इसे कट कर दो, इसे कट कर दो और आप रिफ्रेश कर लो। और अभी आपको ओपन करना है आपका पाल वर्ल्ड और आपके गेम के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा जो है कोडिंग चलता रहेगा। ये कुछ नहीं है, डरना नहीं है ज्यादा, ये जो आपने मोड डाला है उसके वजह से ही हो रहा है, इसको कट नहीं करना है। इसको कट करोगे तो आपका गेम ही पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार आपने अगर पूरा प्रोसेस कर लिया तो फिर और हमको वापस नहीं करना पड़ता, आपको बस पाल वर्ल्ड ओपन करना है, यस करना है और प्ले कर देना है और पीछे हमारे ये ऑन होएगा ही, ठीक है, क्योंकि ये मोड का ही सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही मोड ओपन होता है, ये नहीं होगा तो मोड ही काम नहीं करेगा हमारा। और स्टार्ट कर देते हैं एक गेम, मैं एक सर्वाइवल वर्ल्ड में घुस जाता हूँ, स्टार्ट गेम कर लेते हैं। ओके, तो फिर हम हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं। अभी क्रिएटिव मेनू ओपन करने के लिए आपको बस क्लिक करना पड़ेगा F1, जैसे कि देख पा रहे हो मैंने F1 क्लिक किया और मेरा क्रिएटिव मेनू ओपन हो चुका है। इधर मैं आपको कोई भी पाल लेके दिखा देता हूँ, इधर है शैडो बीक, इसको पर क्लिक करना है। आप लोग लेवल सिलेक्ट कर सकते हो, पर अगर आपका हाईएस्ट लेवल भाई 20 हुआ तो फिर 1000 लेवल करने के बाद भी आपका जो पाल है वो 20 लेवल का ही हो जाएगा, क्योंकि ये गेम का ही रूल है, इसे चेंज नहीं कर सकते। फिर इसे हम जेंडर भी इधर से चेंज कर सकते हैं, इसका लेवल हम लोग भाई 500 भी कर सकते हैं और इधर से साइन ही भी कर सकते हैं। और रैंक मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मेरे को जो जो पता है मैं बता रहा हूँ। इधर हम लोग इधर हमारा जो अटैक स्पीड है उसे भी हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि मेरे को इसका अटैक चाहिए कुछ 2000। उसके बाद आपको इधर ऑप्टेन करना है, क्योंकि भाई स्पॉन करोगे तो आपको दुश्मन बन जाएगा और ऑप्टेन करोगे तो वो आपकी इन्वेंटरी के अंदर आ जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, ऑप्टेन करना है। एंड देख पा रहे हो मेरे पास इधर विक्टर एंड शैडो बीक आ चुका है लेवल 500 का, ठीक है। तो फिर देख पा रहे हो हमारा जो शैडो बीक है इस पाल बॉक्स के अंदर आ चुका है लेवल 500 वाला, और इसके अटैक भी देख सकते हो कुछ 6000 हो चुका है, ये देखो। तो फिर देख पा रहे हो ये रहा हमारा शैडो बीक, जिसको कि मैंने अभी क्रिएटिव मेनू से लिया है। और अगर आपका क्रिएटिव मेनू वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आपने जरूर कोई गलती की होगी, आपको जो है सारा क्रिएटिव मेनू वाला डिलीट कर देना है और फिर से रीअप्लाई करना है पूरा अच्छे तरीके से वीडियो देख के, तो फिर आपका शायद से क्रिएटिव मेनू फिर से वर्क करना शुरू कर देगा। तो देख पा रहे हो मेरा जो क्रिएटिव मेनू अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आपको पूरा सेम टू सेम मेरे जैसा अप्लाई करना है तो फिर आपका भी क्रिएटिव मेनू चलेगा। तो फिर आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, और या तब तक के लिए बाय बाय।